में सबसे मजबूत नेटवर्क होने की वजह से आईपीपीबी किसानों के लिए भी एक बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इससे विशेष बल मिलेगा। क्लेम को समय पर सेटल करना हो या किसानों को इस स्कीम से जोड़ना हो, निश्चित रूप से इस बैंक से लाभ होने वाला है। पोस्ट पेमेंट बैंक के बाद अब योजनाओं की क्लेम राशि भी घर बैठे ही मिला करेगी। इसके अलावा ये बैंक सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर पैसा बचाने की मुहिम को भी गति देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के बैंकों को गरीब के दरवाजे पर लेकर आ गई है, वरना 4-5 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इन्हें गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ? 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में यह राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।